गाइज अक्टूबर मंथ यानी दिवाली मंथ में हमें बहुत स्मार्टफोन देखने को मिले थे, लेकिन अब बारी आती है नवंबर मंथ की। तो आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन जो आपको इसी मंथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। हालांकि अक्टूबर मंथ की तरह बहुत ज़्यादा डिवाइस लॉन्च नहीं होंगे, बट जितने भी होंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हे गाइज, मैं हूँ महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना। गाइज, लिस्ट में जो सबसे पहला डिवाइस है वो आने वाला है Realme की तरफ से। आई नो आप लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो गाइज, Realme की तरफ से आपको दो नए डिवाइस देखने को मिलेंगे। जो पहला डिवाइस होगा वो होगा Realme XT730G वेरिएंट। हो सकता है ये डिवाइस आपको Realme XT Pro के नाम से भी लॉन्च हो जाए। और इस फोन के साथ में आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट। और रूमर्स के अकॉर्डिंग ये डिवाइस 20,000 के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। और इस प्राइस सेगमेंट में ये सबसे बेस्ट गेमिंग डिवाइस हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ आपको 30 वॉट की वुक चार्जिंग भी देखने को मिलेगी, सुपर एमोलेड पैनल, क्वाड रियर कैमरा और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन गाइज, इसके अलावा Realme की तरफ से मोस्ट अवेटिंग डिवाइस Realme X2 Pro भी आपको इसी मंथ इंडिया में देखने को मिलेगा, जहां आपको मिलने वाला है एक रियल फ्लैगशिप जो आएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस के चिपसेट के साथ में, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 50 वॉट की सुपर वुक चार्जिंग, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा विद 20x जूम। और गाइज, जैसे न्यूज निकल कर आ रहे हैं, ये डिवाइस जिस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होगा वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप किलर डिवाइस बनकर आ सकता है। ये डिवाइस 20th नवंबर को ऑफिशियल इंडिया में लॉन्च हो रहा है। अभी इसकी प्राइस को लेकर कुछ सामने निकल कर नहीं आया है, बट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि फीचर्स इतने कमाल के हैं कि मैं क्या बताऊं। बाकी गाइज, इसके अलावा Realme का 5S भी आपको नवंबर मंथ में देखने को मिल सकता है, जहां आपको 48 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा डिवाइस भी देखने को मिलेगा। और ये डिवाइस Redmi Note 8 के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन बनकर आएगा। मैंने Realme 5S को लेकर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, अगले डिवाइस की बात करें तो वो आता है मोटोरोला की तरफ से। तो गाइज, ये डिवाइस भी आपको नवंबर मंथ में ही देखने को मिलेगा, जहां 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा होगा, रियर साइड में 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिलेगा। ये डिवाइस स्टॉक एंड्रॉइड डिवाइस होगा जो स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट पर आ सकता है, बट प्राइसिंग क्या होगी ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। हो सकता है 20,000 के आसपास आपको प्राइस देखने को मिल जाए, जो अक्सर होता नहीं है, बट कोई ना, लॉन्च होने पर सब कुछ सामने निकल कर आ जाएगा। इसके अलावा गाइस, ओनर की 9X सीरीज भी आपको नवंबर मंथ में इंडिया में देखने को मिल सकती है, जहां ओनर 9X और 9X प्रो दो डिवाइस देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट किरीन 810 चिपसेट के साथ में आएंगे, जो कि एक 7 नैनोमीटर बेस चिपसेट है। एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर एक पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। और ये जो डिवाइस है ये एक फुल व्यू डिस्प्ले के साथ में आएगा। ये डिवाइस चाइना में 15,000 से कम के प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च हुआ है, और इसी प्राइस पर अगर ये फ़ोन इंडिया में आता है तो सच में काफ़ी धमाल मचा सकता है। गाइज, अब आते हैं अगले डिवाइस के ऊपर। तो गाइज, Realme XT के कंपटीशन में Redmi की तरफ से भी आपको Redmi Note 8 सीरीज का टी वेरिएंट देखने को मिल सकता है, जहां आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट देखने को मिलेगा। और बाकी जो सारे फीचर्स होंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेंगे, जो आपको Redmi Note 8 Pro में देखने को मिलते हैं। और ये जो टी वेरिएंट होगा, इसकी प्राइस लगभग 20,000 से नीचे ही बताई जा रही है। लेट्स सी क्या होता है और क्या कुछ देखने को मिलता है Redmi के इस डिवाइस में, और ये डिवाइस Realme को कितना कॉम्पिटिशन दे पाएगा। नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं तो वो आता है Oppo की तरफ से। Oppo Reno S एक फ्लैगशिप सीरीज का डिवाइस होगा, जो कि चाइना में हाल ही में लॉन्च हुआ है, जहां आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का चिपसेट देखने को मिला था, और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड पैनल के साथ में, 65 वोट की फास्ट चार्जिंग जो आपके डिवाइस को लगभग 30 मिनट में ही फुल चार्ज कर सकती है, और भी बहुत कुछ Oppo Reno सीरीज के इस डिवाइस में देखने को मिला था। ये डिवाइस नवंबर मंथ में ही आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। बाकी इसके अलावा Oppo की K सीरीज में भी एक और डिवाइस देखने को मिलेगा, जो Oppo का K5, लेकिन वो हो सकता है आपको दिसंबर मंथ तक देखने को मिले। गाइस, सभी मोबाइल ब्रांड्स यहां है तो Vivo कहां पीछे रह सकता है। Vivo की तरफ से भी आपको एक मिड रेंज स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, जो Vivo U3 हो सकता है, या कुछ और नाम से भी ये डिवाइस आ सकता है, जहां आपको स्नैपड्रैगन 675 का चिपसेट देखने को मिलेगा, रियर साइड में ट्रिपल कैमरा, 5000mAh की बैटरी विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। गाइस, एक मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में, यानी कि 10 से 12,000 के प्राइस सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छा डिवाइस आपको
वीवो की तरफ से भी देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑनलाइन सेंट्रिक डिवाइस होगा और शायद से ये डिवाइस आपको मिड ऑफ नवंबर तक ही देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस इन्फिनिक्स मोबाइल की तरफ से भी आपको 10,000 के प्राइस सेगमेंट पर एक क्वाड कैमरा डिवाइस देखने को मिल सकता है, जो कि एक पंच होल डिस्प्ले के साथ में आएगा। तो गाइस ये थे कुछ डिवाइस जो कि आपको नवंबर मंथ में इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इनमें से कौन से डिवाइस का वेट कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।